नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। स्कूली बस्तों के भारी बोझ से मासूम परेशान। रायसेन स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, नन्हे मुन्ने बच्चों पर बस्तों का भारी बोझ लाद दिया जा रहा है। हालात ये है कि बच्चों के साथ उनके पालक भी परेशान हैं। आज भी भारत में मेकाले की शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हमारे चैनल ने कुछ बच्चों से, उनके पालकों से, स्कूल के संचालक एवं अन्य लोगों से चर्चा की। हालांकि 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है और पालक बेबस हैं और बच्चे लाचार। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। पालक परेशान है और बच्चे बेबस। कारण ये है कि छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर बस्तों का बोझ इतना भारी है कि उनसे चला भी नहीं जाता। हमने कुछ बच्चों से बात की तो उनका कहना यह था कि अब हमारी आदत पड़ गई है। वहीं पेरेंट्स का कहना यह था कि अभी हमें इतना परेशान होना पड़ता है कि इन बस्तों का बोझ हमें ढोके लेना पड़ता है। भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इतना भारी बस्ता लेके घूम रहे हो, वजन नहीं लगता? नहीं। क्यों? अरे तो यहाँ बच्चे को लेके बस स्टॉप पे जा रहे हैं। काहे के लिए? कारमेंट स्कूल जाता बच्चा बस से। बस्ता तो आप पकड़े हो उसका? बस्ता भारी है इसलिए हम पकड़े हैं। इतना है का तो अभी आधी किताब है, फुल किताब हो तो बस्ता बनेगा नहीं बच्चे से। क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये चाहते हैं कि बच्चों को इतना है कि बच्चे से बने, उतना मतलब वजन उठान चाहिए, अपन ना कर सके, बच्चे उठा कर खुद ले जा सके, ऐसा होना चाहिए बस्ता। एक स्कूल के संचालक से बात की तो उन्होंने कहा कि मेकाले की व्यवस्था अभी तक चल रही है, शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम लोग भी परेशान हैं। आज से 78 साल 80 साल पुरानी शिक्षा व्यवस्था को लाद दिया गया है। हालांकि मैं एक स्कूल का संचालक हूं, जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि बच्चों के जो बस्ते हैं उनका वजन काफ़ी ज़्यादा है। ये सही बात है कि बच्चों के जो बैग हैं उसका वजन ज़्यादा है, लेकिन इस जो क्रम है इसमें थोड़ा सा सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी नीति बनाए कि जो उनका बुक है और जो पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए कि जिसमें संतुलन बना रहे, उससे बैग का निश्चित वजन कम होगा। जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है क्या वो मेकाले वाली चल रही है अभी तक? अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो मेकाले की व्यवस्था चल रही है, जो कि ठीक नहीं है हमारे देश की पद्धति के हिसाब से। और वर्तमान में जो हमारी नवीन सरकार है केंद्र की, उसने कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किया है, 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, तो उसमें इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है मुक्ति मिल जाएगी। तो वो शिक्षा नीति तो आई हुई 4 साल हो गए, बदलाव कुछ हुआ नहीं है? उसमें क्या है कि देखिए कि 70 साल की व्यवस्था बदलने के लिए कुछ समय लगता है। जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें लागू करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो उसमें सुधार किया जा रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस जो आगामी सत्र है उसमें निस्संदेह होता। मैं अपनी बच्ची को छोड़ने आया हूँ सर, उनके बस्ते तो काफ़ी वजनदार हैं। अरे बच्चे तो बच्चों के बस्ते तो इतने बड़े हैं कि जितने बच्चों का बोझ नहीं इतना बस्तों का बोझ है सर। ऐसा लगता है कि बच्चे इस बोझ के तले ही बेचारे दब जाएंगे, क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे क्या? ये बच्चों का वजन कम होना चाहिए और कुछ, अब आज इंटरनेट का ज़माना है, कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब पुरानी व्यवस्था मेकाले की व्यवस्था चली आ रही है और कुछ आज नया है तो भाई कुछ नया हो, नया इनोवेटिव हो। बच्चे की तो आज आवश्यकता नहीं है कापी किताबों की, यदि चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है सुधार शिक्षा। आप भी देखिए बेचारे बच्चे लोग बोझ टांग के चले जा रहे हैं। ठीक है सर, जय बोले राम। पहले भी क्या बस्तों का वजन इतना होता था? पहले बस्तों का वजन इतना नहीं होता था, अब बस्तों का वजन ज़्यादा हो गया है। बच्चों का वजन इतना नहीं है, इतना बच्चों का वजन कभी कभी देखा। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा बदलाव हो? अब ऐसा बदलाव हो कि कम से कम बच्चों के लिए बस्ता का वजन कम हो जाए, जिससे उन्हें और मानसिक स्थिति खराब नहीं हो उनकी, उसी में वजन में ही उनका दिमाग खराब हो जाता है ले जाने धोने में। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। इस शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया गया है लेकिन वह अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि वह शिक्षा व्यवस्था कब लागू हो पाएगी। मैं राकेश जैन रायसेन।